झारखंड का नया लोगो हुआ जारी। आज बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी विस्तार पूर्वक। बने रहिए आरबीसी चैनल से। अगर आप नहीं जुड़े हैं आरबीसी चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आरबीसी चैनल। भारत के महान क्रांतिकारी और सच्चे देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी के घर हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही साहसी थे। उनकी एक कहानी बहुत मशहूर है। एक बार दोस्तों में बात हुई कि एक माचिस की तीली जब इतनी रोशनी देती है जलने पर, तो पूरी माचिस की तीली एक साथ जला दिया जाए तो कितनी रोशनी होगी, लेकिन एक साथ जलाने की हिम्मत किसी में भी नहीं हुई। तभी चंद्रशेखर आज़ाद आगे आए और एक साथ पूरी तीली को जलाए और उस वक्त तक माचिस की तीली को पकड़े रहे जब तक वो पूरी तीली जल नहीं गई। हद तो ये हो गई कि उनके हाथ भी जल गए, मगर तीली को उन्होंने छोड़ा नहीं आखिरी दम तक। चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी जीवन, जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के नौजवानों के सोए हुए आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ 13 साल के बालक थे। इस हत्याकांड ने चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला था। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम उसी वक्त खाई थी कि फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाकर ही दम लूँगा। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, तब चंद्रशेखर ने अपने दोस्तों के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इस आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद को जब गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया गया, तब जज ने चंद्रशेखर से उनका नाम, पिता का नाम तथा पता पूछा। जवाब में चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद बताया और पता जेल और पिता का नाम स्वतंत्र। ये सुनकर जज अचंभित रह गए। जज ने आदेश दिया कि 15 बेंत लगाकर आज़ाद को छोड़ दिया जाए। कुछ दिनों बाद पता चला कि एक ट्रेन ब्रिटिश हुकूमत के पैसे लेकर जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सहयोगियों ने फैसला किया कि इस भारतवर्ष के पैसे को हम लोग फिरंगियों के हाथ में नहीं रहने देंगे। अतः आज़ाद ने फैसला किया काकोरी में इस ट्रेन को लूटा जाएगा। 10 साथियों के साथ 9 अगस्त 1925 को आज़ाद इस घटना को अंजाम देने निकल पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी ट्रेन काकोरी में लूट ली। आपको बताता चलूं कि लूट की इतनी बड़ी घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से दर्ज हो गई। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर। हम कराते रहेंगे आपको हकीकत से रूबरू।